हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका की रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान आया है दोस्तों, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने की हिमाकत तो मोदी सरकार सैन्य हमले से दे सकती है पाकिस्तान को कड़ा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अब अमेरिका ने भी माना है भारत का लोहा, साथ ही आपको बताएंगे जहां सैनिकों की वापसी के बावजूद भारत चाइना में टेंशन बरकरार है। दोस्तों यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जताई गई है बड़ी चिंता, बताएंगे पूरी बात। चाइना और भारत को लेकर बड़ी खबर आ रही है, साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां भारत हमारा भरोसेमंद सहयोगी है और पाकिस्तान टेम्परेरी फ्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने बड़ी बात कह दिया भारत को लेकर दोस्तों, बताएंगे साथ ही बताएंगे जहां भारत की फटकार के बाद नरम पड़ा अमेरिका का तेवर, क्या कह दिया है ऐसा बताएंगे आपको। साथ ही S-400 मिसाइल को लेकर आज की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कल जहां अमेरिका ने कहा था कि S-400 को रूस से नहीं रोकना चाहिए, और आज जो बड़ी खबर आ रही है बताएंगे क्या है आज की बात। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर पाकिस्तान में मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर हालात बेकाबू हो गए हैं दोस्तों, साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें और कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली से नया अपडेट आ रहा है दोस्तों, बताएंगे जो अब तक की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से। साथ ही ममता का बड़ा आरोप, बंगाल में कोरोना फैलाने के लिए मोदी जी और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे इसका कैसे जवाब दिया गया ममता को। जी हां दोस्तों, साथ ही रोजगार से जुड़ी हर तरह की खबरें आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी भाजपा की सरकार, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर अगर पाकिस्तान उकसाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर सकता है बड़ी सैन्य कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से ही रिश्ते लगातार तल्खियों भरे रहे हैं दोस्तों, युद्ध के मैदान में अब तक 4 बार दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं, हर बार पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी है। ये सभी युद्ध पाकिस्तान के उकसावे की वजह से हुआ है दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत को उकसाता रहता है, इसको लेकर एक बार फिर से अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई है दोस्तों। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान फिर से भारत को उकसाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में यह बात कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भारत की पिछली सरकारों की तरह शांत नहीं रहेगी, बल्कि मोदी की सरकार में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने से भारत परहेज नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द युद्ध की संभावना कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत की मोदी सरकार पाकिस्तान को थोड़ा भी समय नहीं देगी सोचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकती है भारत की मोदी सरकार। ऐसे में दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से अमेरिका ने भी भारत का लोहा माना है दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका मानने लगी है कि पिछली सरकारों की तरह मोदी सरकार नहीं है, अगर पाकिस्तान कुछ भी कहेगा तो मोदी सरकार सैन्य कार्रवाई अवश्य करेगी और पाकिस्तान को बख्शने का नाम नहीं लेगी। ऐसे में दोस्तों आप भी मानते हैं कि भारत में हमेशा से मोदी सरकार ही रहनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा दोस्तों, और थैंक यू अमेरिका कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां सैनिकों की वापसी के बावजूद भारत चाइना में टेंशन बरकरार, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जताई गई है इसको लेकर बड़ी चिंता। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब चाइना को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। बता दें भारत और चीन ने सीमा विवाद हल करने के लिए भले ही कई इलाकों से अपने सैनिकों को हटा लिया हो, लेकिन दोनों देशों
दुनिया में तनाव अभी भी बरकरार है। एक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत चीन के मौजूदा हालातों पर चिंता जाहिर की गई है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पर टकराव वाले कुछ बिंदु से सेनाओं को पीछे करने के बावजूद दोनों देशों के बीच भारी तनाव है। दशकों के बाद नई दिल्ली और बीजिंग के बीच इस तरह के विस्फोटक हालात बने हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की सालाना रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन में कई दौर की बातचीत के बाद भी फरवरी के मध्य में कुछ स्थानों से सेनाएं पीछे हटी हैं, जो पॉजिटिव यानी सकारात्मक बदलाव है, लेकिन दोनों देशों में तनाव अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट विश्वव्यापी खतरों का आकलन करने के लिए हर साल तैयार की जाती है और इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है। ऐसे में दोस्तों भारत और चाइना विवाद को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, और क्या आगे से अब भारत को डोमिनेंट होना चाहिए? दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां रूस ने भारत और पाकिस्तान को लेकर कह दी है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, रूस ने कहा हमारा भारत भरोसेमंद सहयोगी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सीमित है, लिमिटेड है। जी हाँ दोस्तों, भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी करार देते हुए रूस ने बुधवार को कहा है कि दोनों देशों के बीच कोई गलतफहमी नहीं और पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र संबंधों के आधार पर रूस का सीमित सहयोग है। रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुस्किन ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा यानी LOC पर 2003 के संघर्ष विराम समझौते यानी सीज फायर एग्रीमेंट का सख्ती से पालन करने के की प्रतिबद्धता का स्वागत किया और कहा है कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरो की भारत यात्रा और उसके बाद उनके इस्लामाबाद दौरे को लेकर बनी धारणा के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बाबुश्किन ने कहा है कि रूस के पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र संबंध है और किसी देश के साथ बने रिश्तों को किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए। तो दूसरी ओर कुदाशेव ने कहा कि भारत रूस का विश्वसनीय सहयोगी है और परमानेंट विश्वसनीय देश है और दोनों देशों के बीच के रिश्ते मजबूत, समान, सद्भावना पूर्ण और आगे बढ़ने वाला रिश्ता है। जी हाँ दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री लावरो की 6 अप्रैल की भारत यात्रा को लेकर उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का मकसद इस साल के उत्तरार्ध में होने जा रहे भारत रूस शिखर वार्ता यानी इंडो रशियन समिट की तैयारियां करना था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भारत और रूस के बीच रिश्तों को किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है और कितने भाइयों को लगता है कि भारत और रूस का रिश्ता मोदी सरकार के आने के बाद और गहरा मजबूत हो गया है दोस्तों, और सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि हर देश के साथ। जो भी मानते हैं वो बात कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगली खबर की बात कर दे तो भारत की फटकार के बाद नरम पड़ा अमेरिका का बड़ा तेवर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका द्वारा लक्षद्वीप में बिना सूचना के युद्धाभ्यास करने के बाद भारत ने नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद अमेरिका के तेवर नरम पड़ गए हैं। दोस्तों वॉशिंगटन ने नई दिल्ली के साथ मतभेदों को दूर करने की मांग करते हुए कहा है कि वो भारत के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देता है। पिछले हफ्ते बिना किसी पहले से अनुमति और सहमति के लक्षद्वीप तट से दूर भारत के क्षेत्र EEZ में अमेरिका के एक नौसैनिक ऑपरेशन को लेकर नई दिल्ली ने तुरंत राजनयिक चैनलों पर अपना विरोध दर्ज कराया था, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने भारत के साथ सभी मतभेदों को दूर करने की मांग कह दी है दोस्तों, और साझेदारी को महत्व देने की बात कही है भारत के साथ। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कोई भारत का कितना बड़ा दोस्त सही, लेकिन अगर
भारत को कहीं नुकसान है या संदेह है तो भारत को जवाब इसी प्रकार से देना चाहिए दोस्तों, ना कि मोदी सरकार से पहले इस सरकारों की तरह। आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को लेकर बड़ी खबर। भारत को नवंबर से शुरू होगी S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी, अमेरिकी प्रतिबंधों का अब कोई असर नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत को इस साल नवंबर महीने से S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। दोस्तों रूसी अधिकारियों ने कहा है कि यह डील पहले से तय समय के अनुसार अपने निर्धारित ट्रैक पर चल रही है। हम S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी इस साल नवंबर से करना शुरू कर देंगे। रूस ने इस हथियार को खरीद को लेकर अमेरिका पहले से ही भारत पर काटसा कानून के जरिए प्रतिबंध लगाने की धमकी देता रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट में अज्ञात रूसी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि भारत की तरफ से इस समझौते को तय समय से पहले पूरा करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन हमने बता दिया था कि यह संभव नहीं है। आपको बता दें कि चीन के साथ लद्दाख में जारी तनाव के दौरान भारत ने रूस से इस डील को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा था और ऐसे में यह डील नवंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वेलकम S-400 मिसाइल सिस्टम टू इंडिया, जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की बात करें तो रूस ने काला सागर में किया युद्धाभ्यास का बड़ा ऐलान, अमेरिका भेज रहा युद्ध पोत। जी हाँ दोस्तों, तनाव बढ़ गया है रूस और अमेरिका के बीच। बता दें रूस की नौसेना ने बुधवार को काला सागर में युद्धाभ्यास यानी वॉर एक्सरसाइज का ऐलान किया है। दोस्तों रूस की सेना ने कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के दो युद्ध पोत भी जल्द पहुंचने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में मिसाइलों से लैस रूस के जहाज हिस्सा ले रहे हैं। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है दोस्तों जब दो अमेरिकी युद्ध पोत संभवत है USS डोनाल्ड कुक और USS रूजवेल्ट काला सागर पहुंचने वाले हैं और इनमें से एक कल ही पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि यदि वो खुद की भलाई चाहता है तो इलाके से दूर ही रहे, हालांकि अमेरिका नहीं माना। आप क्या कहेंगे ऐसे में दोस्तों, रूस अमेरिका के बीच इस तनाव को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और कितने भाई बहन चाहते हैं कि इनके बीच तनाव कम हो जाए, क्योंकि ये दोनों देश भारत के हित में ही काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हर अपडेट्स पाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली खबर की ओर चले तो पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहाँ कट्टरपंथी मौलाना की गिरफ्तारी के बाद हालात हुआ बेकाबू। अब तक 4 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा पुलिस कर्मी हो गए घायल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में कट्टरपंथी नेता मौलाना साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद से प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों। ये प्रदर्शन अब हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। एक पुलिस कर्मी समेत अभी तक 4 लोगों की इन प्रदर्शनों में मौत हो चुकी है दोस्तों। ऐसे में अगली खबर की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा आदेश, अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक वापस लौटेंगे सभी अमेरिकी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई से समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला कर लिया है दोस्तों। जो 9/11 हमले की 20वीं बरसी है, अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को यह बड़ी जानकारी दी है। जो बाइडेन कई हफ्तों से इस संकेत दे रहे थे कि वो उस समय सीमा को बढ़ा सकते हैं जो ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ बातचीत करके तय की थी। ये स्पष्ट हो गया था कि 2,500 सैनिकों की वापसी 1 मई तक करना ठीक होगा। घोषणा होने से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर जो बाइडेन के निर्णय की जानकारी दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या अमेरिका के इस कदम को सही मानते हैं दोस्तों, क्या अमेरिकी सेनाओं की वापसी सही है, हाँ या ना, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो कोरोना का कहर फिर टूटा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर की गई उनकी यात्रा को बड़ा ही छोटा और सीमित। जी हाँ दोस्तों, कोरोना कहर के चलते ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भारत नहीं आ सके थे दोस्तों, और इसके बाद भारत से द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने के लिए उन्होंने अप्रैल में आने का वादा किया था। पता चला है कि बोरिस जॉनसन अपना वादा तो निभा रहे हैं, लेकिन कोरोना के
बढ़ते मामलों के बीच उन्होंने भारत का अपना दौरा सीमित कर दिया है दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ये जानकारी दी है जॉनसन की आगामी यात्रा को लेकर नई दिल्ली के लगातार संपर्क में है। उनकी बातों से संकेत मिल रहे हैं कि संक्षिप्त भारत प्रवास के दौरान बोरिस जॉनसन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के से खुद मुलाकात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बाकी मेल मुलाकातों के सिलसिले पर कैंची चलाई जा सकती है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ इजरायली कार्गो शिप पर फिर से एक बार मिसाइली हमला। जी हाँ दोस्तों, क्या ईरान ने परमाणु फैसिलिटी पर हमले का लिया है बदला? बता दें, ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमले के दो दिन बाद इजरायली कार्गो शिप पर बड़ा ही मिसाइल अटैक की खबर सामने आई है दोस्तों। ईरान की सरकारी मीडिया तस्नीम ने दावा किया है कि मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात के तट के करीब इजरायल के एक जहाज को निशाना बनाया गया है। इस हमले में जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है इसे लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इससे पहले भी इजरायल के कई कार्गो शिप्स को इस इलाके में निशाना बनाया जा चुका है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर तुर्की को चीन की कोरोना वैक्सीन पर भरोसा करना पड़ा भारी। एक दिन में आए रिकॉर्ड तोड़ यानी 59,000 नए केस। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अगर आप भी मानते हैं कि जिसने भी चाइना पर भरोसा किया है उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मारी है, तो कमेंट सेक्शन में चाइना पर भरोसा करना अपना पैर काटने जैसा है जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान से बड़ी खबर, लाहौर में भड़की हिंसा में फंसे 800 भारतीय सिख रावलपिंडी पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो दिल्ली में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 17,282 नए केस, 104 लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में हर बदलते दिन के साथ कोरोना के कारण हालात बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन भी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों, और 13,000 से अधिक नए कोरोना के केस सामने आए हैं। दिल्ली में बिगड़ते हालातों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CBSE की परीक्षाएं रद्द करने की अपील की है, तो वहीं राजधानी से प्रवासी मजदूरों की वापसी भी शुरू हो गई है दोस्तों, और रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ लगने लगी है। आप क्या कहेंगे ऐसे में इस कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और कितने भाई बहन हमारे दिल्ली या दिल्ली से सटे इलाकों में रहते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो केंद्रीय चुनाव आयोग से मिली तृणमूल के 4 सांसद, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाना चाहिए चुनाव आयोग को। जी हां दोस्तों, आपत्तिजनक बयान को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर हाल में 24 घंटे की रोक लगाए जाने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व गृह मंत्री अमित शाह के प्रचार पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। जी हां दोस्तों, इस बौखलाहट यानी TMC के इस बौखलाहट को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और कमेंट में बिल्कुल भी रोक नहीं लगना चाहिए मोदी जी और अमित शाह के रैलियों पर, क्योंकि इन्होंने जो भी कदम उठाया है उचित ही कदम उठाया है जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर एक और भयावह स्थिति वाली खबर, जहां पैरा मिलिट्री फोर्स पर कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा। आज फिर सामने आए 577 नए मामले। जी हां दोस्तों, ऐसे में गेट वेल सून आवर पैरा मिलिट्री फोर्सेस जरूर लिखिएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो एक और TMC की बौखलाहट से जुड़ी बड़ी खबर, ममता का बड़ा आरोप, बंगाल में कोरोना फैलाने के लिए मोदी और अमित शाह है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के दैनिक मामलों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को जलपाईगुड़ी में कहा है कि बंगाल में कोरोना फैलाने के लिए मोदी और अमित शाह ने भारत से आदमी जुटाए, अब जब कोरोना तेजी से फैल रहा है तो वे सब बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा चुलबुलाहट और कितनी ज्यादा बौखलाहट नजर आ रही है ममता बनर्जी के अंदर दोस्तों, और वो धड़ाधड़ से मोदी जी और अमित शाह पर इल्जाम लगाए जा रही है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी और इस इल्जाम लगाने को लेकर आप कैसे रिप्लाई देंगे ममता बनर्जी को, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो नोएडा में कोरोना का कहर, जिसमें 3 सोसाइटी में 90 से ज्यादा एक्टिव केस आए दोस्तों, जिसमें
कॉमन एरिया को सील कर दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा ऐलान, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर सोनार बांग्ला को करें साकार। जी हां दोस्तों, पांचवें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक, फिल्मी दुनिया के महागुरु मिथुन चक्रवर्ती ने फांसी देवा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दुर्गा मुर्मू के समर्थन में बुधवार को जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों की सरकार ने यहाँ के लोगों के साथ ठगी किया है, फरेब किया है, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। बंगाल सोनार बांग्ला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार को जिताना होगा। आप क्या कहेंगे ऐसे में दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो IPL से बड़ी खबर, जहां दमदार गेंदबाजी से जीता बेंगलुरु, हैदराबाद से छीनी जीत। जी हां दोस्तों, आपकी कौन सी फेवरेट टीम IPL की, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें, रोजगार से जुड़ी खबर, जहां मिस ना करें इसरो में नौकरी पाने का मौका, कई पदों के लिए निकली है वैकेंसी। जी हां दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप साइंस से ग्रेजुएट हो। जी हां दोस्तों, फिर भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में काम करना चाहते तो यहां नौकरी पाने का आपके पास अच्छा मौका है दोस्तों। सारी डिटेल्स हमने स्क्रीन पर डाल दी है, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं सारी चीजें दोस्तों। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, आपको तुरंत जवाब मिलेगा दोस्तों। और हो सकता है तो सेपरेट वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा आगे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर दोस्तों। और आपको ये खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन।